जिला कासगंज में धनसिंहपुर एक ऐसा गांव है जहां पर काफी सारे कार्य ग्राम प्रधान मोहम्मद यासीन द्वारा कराए गए हैं। यहां पर 250 शौचालयों का निर्माण कराया गया तो 42 सोलर लाइटों की व्यवस्था भी हुई। 165 मीटर की इंटरलॉकिंग सड़क पर भी कार्य किया गया। 3 खड़ंजों का निर्माण हुआ। मनरेगा से तालाब की सफाई आदि का कार्य कराया गया और नाले के लिए भी काम किया गया। इसके साथ साथ चक्रोटों पर भी मिट्टी का भराव कराया गया है। तो गांव के लोगों का कहना था कि ग्राम पंचायत को अभी रास्तों पर इंटरलॉकिंग, 8 प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, 12 घर, 25 सोलर लाइटों की और आवश्यकता है। पानी की निकासी यहां नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर यहां पूरी तरह से शून्य की स्थिति दिखाई दी। आपको बताते चलें कि इस गांव की आबादी 5500 से ऊपर है और 2200 वोटर हैं। राशन कार्ड धारकों की संख्या यहां पर साफ नहीं हो सकी, लेकिन 150 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी राशन कार्ड की आवश्यकता है। विधवा पेंशन किसी को नहीं मिलती तो वृद्धा पेंशन के साथ साथ विकलांग पेंशन भी यहां किसी लाभार्थी को आज तक नहीं मिल पाई, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने बताया कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इन पेंशनों का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है ताकि गांव के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। ग्राम प्रधान यासीन, ग्राम पंचायत विकासखंड इंटरलॉकिंग कराई है, विकास में खंजा कराई है, नाली बनवाई है, शौचालय बनवाई है, नरेगा से सड़कें बनी है, नाले की सफाई हुई है, तालाब की सफाई हुई है, और हमारे गांव में अभी खंजा नाली का काम ज्यादा है क्योंकि उस हिसाब से पैसे की भी ज्यादा आवश्यकता है। और 8 लोग लगभग हमारे हिसाब से गरीब हैं, जिन्हें आवास की जरूरत, परेशान बरात घर की जरूरत है, एक शमशान घाट की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्र हमारी पंचायत में नहीं है, नहीं बन जाना चाहिए, पर नहीं हुई उन पर आवश्यकता आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में गलियाँ ऐसी हैं जो पैसे की कमी से अभी नहीं हो पाई हैं और जरूरत है।